नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा टॉपिक चल रहा था स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण, उसके हमने एक क्लास लगा ली है। आज अपन उसकी दूसरी क्लास लेके आए, इस क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो इस क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ये वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि उस क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन के साथ में स्पर्श रेखा प्राप्त करने का जो फॉर्मूला है या अभिलंब का समीकरण लिखने का जो फॉर्मूला है, वो सारे के सारे उस क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिए हैं, तो वो क्लास देखना जरूर, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टारगेट हैब एप्लीकेशन को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाके टारगेट हैब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर बीएससी एग्रीकल्चर मैथ का पूरा कोर्स मिल जाएगा। मैथ के नोट्स मिलेंगे, क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तैयारी के साथ साथ। इज दैट क्लियर? एक्स्ट्रा में पढ़ने का कुछ और है नहीं, जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ उतना पढ़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। कई विद्यार्थी कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ें, या कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से क्वेश्चन निकालें। काफ़ी है यार, जितना मैं करवाता हूँ उतना निकाल लीजिए। That's all. पहला क्वेश्चन है वक्र, ये दे रखा है हमें, बिंदु x बराबर 2π स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता एक तरीके से कल की क्लास में मैंने बताया था, ढाल होता है, स्लोप होता है स्पर्श रेखा का, जो x-axis निर्देश है, x-axis के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनता है वो उसका स्लोप होता है। इज दैट क्लियर? तो सेम यहां पर भी सोल्यूशन करेंगे। हल यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है, पहले तो वक्र दे रखा है, वो लिखते हैं y इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस में x। इसका अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3x की स्क्वायर माइनस में 1। अब कौन सा बिंदु दे रखा है, x इज इक्वल टू 2 पे दे रखा है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 पर क्या बनेगा, dy अपॉन में dx, और किस पे है, x इज इक्वल टू 2 पे, जहां पे x है वहां पे आपको 2 रखने, तो 3 × 2² - 1, 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, तो 3 × 4 - 1, 4 × 3 = 12 - 1, 12 में से 1 घटाएगा तो 11 आएगा, 11 इसकी प्रवणता आ जाएगी, उत्तर आएगा, आंसर आ जाएगा 11, भाई इसका रिजल्ट आ जाएगा। इतना सा आसान है प्रवणता, सीधी प्रवणता पूछे, एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 पे पूछी थी, इसमें वक्र थोड़ा चेंज करके दे देगा आपको, वक्र चेंज करके दे देगा u अपॉन v, अतः वक्र में आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हमने ये कर रहे हैं, सभी में डेरिवेटिव अभी, और डेरिवेटिव आपको नहीं आता है तो पीछे वाली क्लास में जाके जरूर देखें डेरिवेटिव की, ठीक है, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अवकलन वाला जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ा था, सभी क्लासेज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस दो क्लासों में मैंने नहीं करवाए, अलग क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शानदार छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है ये वाला, देखिएगा वह बिंदु ज्ञात कीजिए, अब की बार हमें बिंदु ज्ञात करना है जहां वक्र y इज इक्वल टू की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। प्रवणता दे रखी है, अब की बार हमें ढाल दे रखा है, लेकिन वो बिंदु निकालना है, x और y का मान निकालना है, कहने का मतलब तो ये हो गया। तो सबसे पहले जो वक्र दे रखा है उसका समय x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो लिखेंगे हल, वक्र क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू रूट के अंदर 4x - 3 और -1, तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 √x, तो 1/2 √x यानी 4x - 3, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन में डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4x - 3,
और एक का हो जाएगा जीरो, कॉन्स्टेंट है। तो ये बनेगा हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक बटा दो रूट में चार एक्स माइनस में तीन, और चार एक्स का क्या हो जाएगा चार, तीन का जीरो हो जाएगा, दो के पाड़े से काटेंगे दो बार कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा दो बटा रूट के अंदर चार एक्स माइनस तीन, चार एक्स माइनस में तीन आएगा, डी वाई अपोन में डी एक्स, डी वाई अपोन में डी एक्स आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद में देखो इसकी प्रवणता तो हमने ये निकाल ली, जबकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता दे कितनी रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर प्रवणता कितनी दे रखी है आप में से कोई बताएगा, दो बटा तीन दे रखी है। अब देखो दोनों की प्रवणता बराबर कर देते हैं, दो बटा रूट के अंदर चार एक्स माइनस में तीन बराबर आपको दे रखा है दो बटा तीन, दो से दो कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, रिजल्ट आएगा रूट के अंदर चार एक्स माइनस में तीन बराबर तीन, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं रूट को हटाने के लिए, तो ये बनेगा हमारे पास में चार एक्स माइनस में तीन बराबर तीन दिया नौ, ये इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो चार एक्स इजिकल टू क्या बनेगा नौ प्लस तीन, तो ये बनेगा हमारे पास में चार एक्स इजिकल टू नौ तीन बारह, ये तीन चार भाग में लग जाएगा, तो एक्स इजिकल टू कितना आएगा बारह बटा चार, एक्स का मान कितना आएगा एक्स का मान आएगा बारह बटे चार यानी तीन, बारह बटा चार कितना आएगा तीन आएगा, चार तीय बारह होते हैं, चल एक्स का मान तीन आ गया, एक्स का मान तीन आ गया, ये मान एक नंबर समीकरण में रखते हैं एक्स का मान, अब देखो क्या बनेगा, बीच में यहाँ पे लाइन करता हूँ मैं, थोड़ी टेढ़ी लाइन करता हूँ ठीक है जानबूझ के, अब लिखोगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स का मान तीन है क्या, यहाँ पे रख दो रूट के अंदर चार तिया बारह माइनस में तीन माइनस एक, तो वाई इज इक्वल टू रूट में बनेगा नौ माइनस एक, रूट नौ का मान कितना होता है तीन, तीन माइनस एक यानी दो, तो वाई का मान आ गया दो, तो लिखेंगे अतः अतः बिंदु बिंदु एक्स का मान कितना है तीन और वाई का मान है दो, तीन कोमा दो होगा, तो बिंदु क्या होगा तीन कोमा दो होगा, बात समझ गए क्या उस बिंदु के निर्देशांक याद करने थे, वह बिंदु याद करना था, तो x का मान कितना आ गया तीन और y का मान आ गया दो, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया उत्तर हो गया, इज दैट क्लियर, समझ में आई कुछ बात, हमें प्रवणता दे रखी थी हमने इसकी प्रवणता निकाल ली, dy अपॉन में dx का मान ये था, dy अपॉन में dx का मान ये था, दोनों को बराबर कर दिया स्क्वेयर करके रिजल्ट निकाल लिया वाई का एक्स का, और एक्स का मान वापिस इसके अंदर रख दिया, तो वाई का रिजल्ट हमारे पास में आ गया है, लीजिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वक्र वाई इज इक्वल टू ये दे रखा है, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखा जो दे रखी है वो सरल रेखा के समांतर हो, स्पर्श रेखा और सरल रेखा के समांतर होती है, उस कंडीशन में आप जानते हैं दोनों की प्रवणता समान होती है, स्पर्श रेखा और सरल रेखा दोनों समांतर होती है तो उसकी प्रवणता समान होती है, सीधी सी बात है प्रवणता समान होती है यानी प्रवणता बराबर होती है, तो देखना यहां से मैं पहले इसको हल कर रहा हूं, वक्र की प्रवणता निकाल रहा हूं, y इज इक्वल टू दो एक्स की स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक, तो इससे रिजल्ट निकाल रहा हूं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा दो दुनी चार एक्स माइनस में एक इसको मैं समीकरण नंबर एक नहीं दे रहा हूं एक बार, इसको मैं एम वन पढ़ रहा हूं, प्रवणता को मैं एम वन लिख रहा हूं, एम वन नहीं भैया एक मिनट रुको रोशन सर एक मिनट रुकिए, आप लिखोगे माना एम वन बराबर डी वाई, नहीं ये भी नहीं मानूंगा मैं, सीधा ही लिखूं क्योंकि उसमें भी डी वाई अपन में डी एक्स अंतर क्या है, फिर लिखोगे यहां से एम वन बराबर कितना आ गया चार एक्स माइनस एक आ गया, समीकरण नंबर एक इसको देंगे,
क्योंकि एम होता है डाल स्लोप प्रवणता और रेखा से, और रेखा से, रेखा का समीकरण क्या दे रखा है वाई इज इक्वल टू 3x प्लस में 4। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष डेरिवेटिव, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3। तो यहां से लिखेंगे m2, इस रेखा का ढाल स्लोप है m2 है, m2 बराबर 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 यहां से क्या रिजल्ट आएगा लिखोगे, यहां स्पर्श रेखा और सरल रेखा समांतर है, इसलिए यहां स्पर्श रेखा और सरल रेखा समांतर है, इसलिए दोनों की प्रवणता समान होगी, प्रवणता समान होगी। तो रखेंगे m1 बराबर m2, m1 का मान कितना है 4x माइनस 1, m2 का मान 3 है, माइनस का एक इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 प्लस 1, यानी ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 4। तो x का मान कितना बनेगा 4/4, यानी 1 आएगा, 4/4 यानी 1 आएगा रिजल्ट। बात आप लोगों के समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही तो बता देना भी कमेंट करके, ठीक है। x का मान 1 आ गया, पूछा क्या था भाई साहब ने, बिंदु को ज्ञात करना है, x का मान 1 आ गया, इसके अंदर रख दो यार, वक्र के अंदर रख दो, शायद मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। यदि x इज इक्वल टू 1 हो तो, बिंदु y इज इक्वल टू 2 × 1² - 1 + 1, प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट आएगा y बराबर 2। तो y का मान 2 आ गया, तो लिखेंगे अतः बिंदु क्या हो जाएगा बताओ, अतः बिंदु 1, 2 होगा। वेरी सिंपल है, लीजिएगा इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ समझना पड़ेगा आप लोगों को कि समांतर दे रखा है तो दोनों की प्रवणता बराबर होती है, लंबवता दे रखा है इसका मतलब दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है, m1 गुणा में m2 बराबर -1, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि दोनों की प्रवणता, दोनों एक दूसरे के लंबवत कह दे, लंबवत आ जाएगा, तो वहां पे दोनों की प्रवणता का मान है या दोनों की प्रवणता का गुणनफल -1 आएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ फिर, समझिए तो आ गया, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन, दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 3 पे दे रखा है, x इज इक्वल टू 3 पे हमें निकालना है, तो कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो इसकी सहायता से y का मान भी निकाल सकते हैं, x का मान 3 है, हल करेंगे यहां से, पहले हल कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1। तो लिखोगे यदि x इज इक्वल टू 3 हो तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में 4 × 3 प्लस में 1, तो y का मान कितना आएगा 9 प्लस में 4 × 3 = 12 प्लस में 1। अरे भाई साहब 22 बन गया क्या y का मान आ गया 22। तो लिखेंगे अतः बिंदु क्या बन जाएगा, बिंदु बनेगा 3, 22 होगा, 3, 22 होगा। अब इसका डेरिवेटिव कर दे, तो
इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये बनेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2x + 4। भैया 2x + 4 आ गया। बिंदु कौन से पे निकालनी है प्रवणता, कौन से बिंदु पे निकालनी है प्रवणता? ये बिंदु रहेगा जनाब 3,22। तो ये निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, कौन सा बिंदु रहेगा 3,22। ये 22 मैं गलत तो नहीं लिख रहा ना, मेरे हाथ से 12 ही लिखा जा रहा है 22 मेरे हिसाब से। लगाओ इस पे, तो 2 एक्स का मान 3 है प्लस में 4 है, कितना आ गया? तो ये बनेगा हमारे पास ढाल का मान आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, कौन से बिंदु पे है 3,22 बराबर हो जाएगा 3 × 6, 6 × 4, 10। इसका मान आ गया 10 mm का मान। अब लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस में y1 इज इक्वल टू m और ये रहेगा x माइनस में x1। तो बिंदु क्या है y माइनस में y1 का मान कितना है 22 आ गया, ये रहा m का मान 10 है और ये रहे x माइनस में x1 का मान कितना है 3, गुणा कर दो अंदर तो y माइनस में 22 हो जाएगा 10x माइनस में 30, इसको इधर ले आते हैं तो y माइनस में 10x माइनस के 22 प्लस के 30 बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में y माइनस में 10x और माइनस का तो 22 है प्लस का 30 है तो प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 8 बराबर 0। एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं, साथ में वो अभिलंब वाला और लिखना है, अभी ध्यान रखना अभिलंब वाला और लिखना है। चेक कर लेते हैं भैया, चक चक चक, सही है कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस में y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m और ये रहेगा x माइनस में x1 y माइनस में y1। कितने y1 22 है क्या, ये रहा 22 इज इक्वल टू माइनस का 1/10 x माइनस में x1 का मान 3 है। देखो 10 भाग में इधर आएगा गुणा में आ जाएगा तो 10y माइनस में 220 इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस का 3, क्योंकि माइनस 1 का गुणा आ जाएगा माइनस एक्स कर देगा और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस में 10y इसको इधर लेके जाएंगे 3 प्लस में 220 एक्स प्लस में 10y, 10y प्लस नहीं इसको काटो, यहाँ पे लिखो 220 और 3 223, ये एक आंसर दूसरा आ गया। इसका पहला आंसर ये आंसर था, इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम राइट है। इस प्रकार से ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर इसकी PDF आप लोगों को देखनी है तो प्ले स्टोर में जाइए, टारगेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी, सभी क्लासों के साथ में मिलेगी। इज दैट क्लियर? चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।